हे लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं जोधपुर की बहुत ही फेमस प्याज की कचौरी और आलू की सब्जी। बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ये। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके बाद आपकी कचौरी कभी भी नम नहीं बनेंगी, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी आपकी कचौरियाँ बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कचौरी के लिए डो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा ली है। साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबलस्पून कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। अजवाइन को आप हाथों से थोड़ा क्रश करके फिर ऐड करें, इससे अजवाइन का फ्लेवर और ज्यादा एनहांस हो जाता है। मैं यहाँ पर 1 कप मैदा और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो ये सारे रो इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से कंबाइन कर लेते हैं। इस क्वांटिटी में आपके अराउंड 20 से 22 कचौरी आराम से बन जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर 1/2 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसे हम बोलते हैं मोइन लगाना। तो कचौरी में जो मोइन लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो कचौरी का जो डो होता है उसमें हम अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो इनको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे और जब ये अच्छे से कंबाइन हो जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ग्रेजुअली ऐड करेंगे और इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। काफ़ी लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि मठरी की तरह एकदम हार्ड डो बनता है, बट कचौरी का हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो मैंने यहाँ पर नीड किया है, तो इसी तरह आपको करना है। तो इसको अभी हम कवर करके कम से कम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं और जब तक डो हमारा सेट हो रहा है हम कचौरी के लिए स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो एक पैन में मैं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल हीट कर रही हूँ। साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सौंफ। ये सौंफ को मैंने क्रश करके ऐड किया है, ये सीड्स नहीं है सौंफ के, उनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया था। साथ ही में 2 मीडियम साइज की ग्रीन चिलीज, 1 इंच अदरक जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इनको हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कचौरी की स्टफिंग के लिए। ये मसाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी हमने अभी ऐड किए हैं। साथ में हम ऐड कर देंगे 1.5 कप के अराउंड अनियंस। 1.5 कप में मैंने 3 बड़े साइज की अनियंस को चॉप किया है। तो इनको आप फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। आपकी अनियंस में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए हमारी कचौरी नरम हो जाती है कुछ टाइम रखने के बाद। इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी कचौरियाँ क्रिस्पी बने। बेसन जो है वो सारा जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये एकदम ड्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं पूरा मिक्सचर कितना ड्राई हो चुका है। तो जब ये अनियंस आपको एकदम ड्राई दिखने लग जाए तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच के अराउंड हमारा जाएगा नमक, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कितनी ड्राई हैं। ये ड्राई होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी कचौरियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इनको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए पोटैटोस। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के पोटैटो यूज़ किए हैं जिनको मैंने मैश किया हुआ है। पोटैटो से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, जब हम इसमें स्टफिंग करते हैं कचौरी में तो बहुत ही इजीली हो जाती है। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारे डिटेल्ड स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन सबको ध्यान में रखें। तो इसको मिक्स कर लेंगे और ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं आलू की सब्जी। तो मैं एक पैन में यहाँ पर 1/4 कप के अराउंड घी ले रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा, 3 मीडियम साइज की हरी मिर्च जिनको मैंने बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट किया है। इनको हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर घी में ही कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इनको हम एकदम लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये जले ना। ये मसाले हम जब घी में ऐड कर देते हैं तो इससे बहुत अच्छी रौनक आती है। साथ ही में हम 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची और ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, ये हम ऐड करते हैं कलर को अच्छा करने के लिए।
इसमें जाएगा 1.5 कप के अराउंड टमाटो प्यूरी। 1.5 कप में मैंने 4 टमाटर का यूज किया है, तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टोमेटोज ऐड करते ही साथ में हमारा जाएगा 1.5 चम्मच या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक इसके कुकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस टोमेटो प्यूरी को हम कुक करेंगे जब तक जो घी हमने ऐड किया है वो सारा सेपरेट नहीं हो जाता है, वो आपका सेपरेट होके एकदम कॉर्नर्स पर आ जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसको कुक करें। आप ये देख सकते हैं सारा घी कॉर्नर्स में आ गया है, एकदम सेपरेट हो गया है। तो यहीं तक हमें इसको कुक करना होता है। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कुछ धनिया के पत्ते। ये ड्राई हैं जिनको मैंने सुखाया हुआ है, आप चाहें तो फ्रेश यूज कर सकते हैं, बट ड्राई यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसी स्टेज पर ही ऐड करें ताकि जो धनिया है वो अपने सारे फ्लेवर्स रिलीज कर दे ग्रेवी में। साथ ही मैं हम ऐड कर देंगे बॉयल पोटैटोस। यहाँ पर 8 मीडियम साइज के पोटैटो मैंने यूज किए हैं, उनको मैश करके मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो इनको हम अच्छे से कोट कर लेते हैं हमारे स्पाइसेस का जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया है उसके साथ। और अभी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम ऐड कर देंगे वाटर। यहाँ पर 2.5 ग्लास पानी मैंने ऐड किया है। तो अभी सब्जी में क्या होता है, हम घर पर कुक करते हैं और लास्ट में इसका पानी अलग रह जाता है और आलू सारे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हलवाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सब्जी को बहुत देर तक बॉईल करते हैं, कम से कम 7 से 8 से 10 मिनट तक वो उसको बॉईल करते रहते हैं। इससे क्या होता है सारी सब्जी आपकी एकदम एडजस्ट हो जाती है और सेटल डाउन हो जाती है। तो ये हमारी सब्जी भी रेडी है। अभी हम अपना डो चेक कर लेते हैं। इसको हम फिर से थोड़ा सा नीड करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो है। आप प्लीज़ सॉफ्ट डो बनाएं तभी आपकी कचौरी अच्छी बनेगी। तो इसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और इसकी एक स्मूथ बॉल बना लेंगे। अभी हम इसको फ्लैट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप हाथों से ही इसको फ्लैट करें। रोलिंग पिन का हमें यहाँ पर बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आप इसको साइड से थोड़ा पतला रखें और बीच में से आप इसको थोड़ा मोटा रखें, तो आप इसके कॉर्नर्स को पतला कर लें। अभी मैंने क्या किया है, जो हमने स्टफिंग प्रिपेयर की थी उसका मैंने एक बॉल बना ली है और बीच में रख के इसके सारे कॉर्नर्स को हम इकट्ठा करके इसको बीच में से बंद कर देंगे, अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये ऑयल में खुले ना। और जितना भी एक्स्ट्रा डो निकलता है उसको निकाल करके हम वापस से डो में मिला लेंगे। तो आप इसको अच्छे से सील करें बीच में से, तो इसको हम थोड़ा सा जेंटली प्रेस कर देंगे और ताकि ये स्टफिंग इक्वली सारे में आपकी फैल जाए। इसमें हाथ से ही आप इसको करें, रोलिंग पिन ना यूज करें। तो ये कचौरी फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखा है, फ्लेम भी हमारी लो है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है ऑयल का, थोड़ी देर ही मैंने उसको गर्म किया है। आप हाई टेम्परेचर पर डाल देंगे तो क्या होगा, कचौरी ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि इसकी लेयर जो है वो थोड़ी मोटी होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको कुक होने में। तो आप फ्लेम को लो रखें। आप देख सकते हैं सारी कचौरी हमारी ऑलमोस्ट फूल गई हैं, तो इनको हम टर्न करके कुक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी कचौरी, तो इनको हम ऑयल से सेपरेट कर लेते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।